हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके इंग्लिश की वर्कशीट असिस्टमेंट नंबर 2 करने वाले हैं, जो क्लास 8 स्टूडेंट्स की है। ये आपको आपके स्कूल से बच्चों सॉल्व करने के लिए दी गई है। इसे मैं आज आपको इसका पूरा पैसेज समझा कर इसके सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसे खुद जरूर ट्राई करेंगे। देखिए, ये एक तरीके से आपका टेस्ट है, ठीक है, कि आपका तो आप टेस्ट हमेशा देखिए क्या होता है कि आप इसे जरूर करिएगा खुद, ठीक है। अभी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो बंद करके इसे खुद करिए एक बार, ठीक है। फिर करने के बाद आप लोग इसे, आप लोग जैसे कर लिया, चाहे आप गलत करो, करने के बाद आप लोग फिर मेरी वीडियो देखिए, फिर आप लोग सीखेंगे कि आपने क्या क्या गलती करी है, क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, उन्हें आप फिर सुधार सकते हैं, ठीक है। पहले खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल से वर्कशीट की वीडियो करते हैं, उन्हें पता होगा कि मेरे चैनल पे कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। तो अदर वर्कशीट जो बच्चे देखते हैं वो जानते होंगे, अदरवाइज अगर आपको पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इंग्लिश, क्लास आप लिखेंगे 8th, ठीक है। वर्कशीट असिस्मेंट वर्कशीट आपकी नंबर 2 है, ठीक है, जिसे हम असिस्मेंट वर्कशीट 2 बोलते हैं। 3 सितंबर की आपकी वर्कशीट है बच्चों, ठीक है। आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है, 20 मार्क्स की क्या है, वर्कशीट है। देखिए आपका इसमें क्या दिया गया है, अनसीन पैसेज दिया गया है, ठीक है, जिसे हम आज समझेंगे। मैं आपको इसे पूरा समझाऊंगा। देखिए इसमें आपका दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग द यूज ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड फैमिली क्लासमेट कस्टमर क्लाइंट सोशल नेटवर्किंग अकर फॉर सोशल एंड बिजनेस पर्पज। देखो आजकल जो सोशल नेटवर्किंग है इतना फास्ट हो गया है, इतना एक्सपेंड हो गया है, इतना मॉडर्न हो गया है कि आप लोग घर बैठे बैठे ही अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने क्लासमेट से, अपने कस्टमर से, ठीक है, अपने क्लाइंट से, जैसे कि आज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्या कर रहे हो, वर्कशीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे से सीधा कनेक्ट हो रहे हो ऑनलाइन। और जैसे आपको ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है, ऑनलाइन जैसे मेरे चैनल पे कंपटीशन चल रहा है, उसमें मैं आपको गिफ्ट दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप ऑनलाइन ही जीत सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके घर पर गिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए, थ्रो साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक, ठीक है, ETC, सोशल नेटवर्क एज ओल्ड एज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कब डेवलप हुआ था, 1916 में, आफ्टर 2003 द सोशल नेटवर्क बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है, 2003 के बाद ये क्या बहुत पॉपुलर हो गया। करंटली इंटरनेट यूजर्स हैव मोर 200 सोशल नेटवर्क टू चूज फ्रॉम, ठीक है, 200 से ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, सोशल नेटवर्किंग हैज़ मैनी एडवांटेज, ठीक है, इसमें बहुत एडवांटेज हैं। द बिगेस्ट एडवांसमेंट, यू कैन टच विद योर फ्रेंड्स फैमिली फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप कहीं भी हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली से टच हो सकते हो। दी सोशल नेटवर्क कैन बी यूज टू इम्प्रूव अवर सोशल अवेयरनेस, स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर टॉपिक दैट दे आर इंटरेस्ट इन बाय यूजिंग ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, दिस कैन बी डन बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कशन फॉर्म्स और राइट ब्लॉग्स एंड पोस्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंड वाइड रेंजिंग टॉपिक्स, ठीक है, जैसे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, डिस्कशन लिख सकते हैं और नॉलेज दे सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो, सोशल नेटवर्किंग टेक प्लेस ऑनलाइन वेयर पीपल मीट एंड शेयर आइडियाज एक्सपीरियंसेस, मैनी कंपनीज यूज सोशल नेटवर्क सच एज ट्विटर, फेसबुक टू कनेक्ट विद द कस्टमर एंड क्लाइंट, दिस कैन बी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। देखो सोशल नेटवर्किंग इसलिए भी यूज किया जाता है आइडिया शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ट्विटर और फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं पेशेंट, ठीक है, क्लाइंट भी, और आपको एक मतलब प्रमोशन करने का भी, पब्लिसिटी करने का भी मौका मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। हाउएवर देयर आर सेवरल डिसएडवांटेज, ठीक है बच्चों, इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है, आप लोग देखोगे देयर आर सेवरल डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, ओके, क्या क्या है, देखो
साइबर क्राइम, साइबर क्राइम हो सकता है, जिससे बच्चों क्या होता है साइबर साइबर क्राइम से मतलब कोई आपका हैक कर सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। साइबर बलिंग हो सकता है, हैव इंक्रीज इट इज़ टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप टाइम सर्विलेंस इन सच अ वाइड नेटवर्क, ठीक है। एज पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल नेटवर्क साइड दे एक्सपीरियंस फेस टू इंट्रैक्शन विच ऑल्सो मेक्स मोर डिपेंडेंट ऑन डिवाइस, ठीक है। एडिक्शन टू ऑनलाइन नेटवर्किंग इज येट अनदर डिसएडवांटेज, ठीक है। देखो कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं इसके ऑनलाइन नेटवर्किंग के, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि 50% पीपल क्या है आपके 25 से 35 जो हैं दे आर ज़्यादातर अटैच होते हैं किससे, सोशल नेटवर्क से, एज दे यूज देम ड्यूरिंग वर्क आवर्स, ठीक है। आपको सिर्फ लिमिटेड यूज करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर एक में आपका दिया गया है व्हाट आर थ्री चीफ यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर एक लिखेंगे फिर हम इसके आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले वन लिखेंगे इसके अंदर, वी कैन स्टे टच विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी कैन स्टे टच, स्टे टच आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। स्टे इन टच विद आवर फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो इसमें आप और क्या लिख सकते हो, इट इम्प्रूव बिजनेस, इट इम्प्रूव्स क्या बिजनेस, एंड थर्ड में भी आप लिख सकते हो इट इम्प्रूव्स सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ठीक है बच्चों। तो वी कैन स्टे इन टच विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट इम्प्रूव बिजनेस एंड इट इम्प्रूव सोशल डिस्टेंस, सोशल अवेयरनेस। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी धुंधला दिख रहा हो तो सभी बच्चे 720 पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को YouTube के बारे में पता होगा, यहाँ पे थ्री डॉट लगे रहते हैं, आप उस पर क्लिक करके एडवांस में जाके, ठीक है, 720 पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसमें देखा है हाउ डज सोशल नेटवर्किंग इम्पैक्ट लर्निंग, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग जो है लर्निंग में क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव लर्निंग इन ऑल स्फेयर्स, ठीक है, ये हर तरीके से इम्प्रूव करता है। वन कैन एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स बाय क्रिएटिंग डिस्कशन राइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग पोस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में पूछा है हाउ डू कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग, कंपनीज को क्या बेनिफिट होते हैं किससे, सोशल नेटवर्किंग से, ठीक है। कंपनीज कैन कैन कनेक्ट विद क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स
ठीक है, वो अपने क्लाइंट और कस्टमर से कनेक्ट हो सकती हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्रीज क्राइम, ठीक है, क्राइम्स कैसे इंक्रीज हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, देखो, इट इज हार्ड, ये बच्चों हार्ड लिखा है, ठीक है, मैं फिर से अगेन लिख देता हूँ इसको, इट इज हार्ड टू फाइंड द ऑफेंडर एंड इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम सर्विलेंस ऑन सच अ वाइड नेटवर्क, फुल टाइम सर्विलेंस ऑन सच अ वाइड नेटवर्क। ठीक है बच्चों, आप लिखोगे इट इज हार्ड टू फाइंड द ऑफेंडर एंड इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम सर्विलेंस ऑन अ सच वाइड नेटवर्क। ठीक है, फिफ्थ में आपका दिया गया है व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन, सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन से मतलब क्या है। When people have become so addicted to social networking and spend whole day, ठीक है, अब देखो क्या बताया गया इसमें, when people become so addicted, वो ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, किस एडिक्ट हो जाते हैं किसके लिए, सोशल नेटवर्किंग एंड स्पेंड होल डे, अपना पूरा डे सोशल नेटवर्किंग पे ही बिताते हैं, वो आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताने हैं किससे रिलेटेड, एंड एंड द क्रिकेट, जो हमने एक झिंगूर और चींटी वाली कहानी पढ़ी थी, ठीक है, कैसे अपना झिंगूर, कैसे झिंगूर जो था केयरलेस था अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड, ही केयरलेस, ठीक है, वो क्या था, केयरलेस था, तो ही केयरलेस नेचर, तो आ जाएगा हिज केयरलेस। ठीक है बच्चों, आप यहां हिज लिखेंगे, हिज केयरलेस नेचर मेड हिम बोल्ड। ठीक है, अब देखो व्हाट वाज द क्रिकेट अक्यूस्टम टू, इसमें लिख दोगे सिंग एंड एंजॉय द होल समर एंड स्प्रिंग, सिंग एंड एंजॉय द होल समर एंड स्प्रिंग। ठीक है, एट दिया गया, व्हेन डिड द क्रिकेट बिगन टू एक्सप्लेन, ठीक है, कंप्लेन, ये कंप्लेन कब करना स्टार्ट किया, व्हेन विंटर केम एंड ही फाउंड इस कबर्ड एम्प्टी। ठीक है, जब क्या है सर्दी का टाइम आ गया था और उसका कबर्ड क्या था बच्चों, बिल्कुल खाली था, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब उसने क्या कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, व्हाट डिड द एंट सजेस्ट टू द क्रिकेट, ठीक है, उसने कहा द एंट सजेस्टेड
द क्रिकेट, टू डांस द विंटर अवे। ठीक है, लास्ट आपका व्हाट इज फेबल। अ फेबल इज अ क्या है, टेल है। अ फेबल इज अ टेल ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वे अ मोरल। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आप लोग उस गिफ्ट के बारे में जानना चाहते हो कि आपको कैसे गिफ्ट मिल सकते हैं, तो अगर आपने अदर वीडियोस मेरे चैनल से कंप्लीट की होगी तो आपको डेफिनेटली बच्चों उस गिफ्ट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।